हेलो फ्रेंड्स, डेली हिट टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लहसुन खाने के 10 बेहतरीन औषधि फायदे। दोस्तों, लहसुन जिसे हम गार्लिक कहते हैं, ये एक शक्तिशाली नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल हब है। साथ ही लहसुन एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। इसका लगातार सेवन हमारे शरीर के कई बीमारियों से बचाता है। जी हाँ, खाना बनाने से लेकर दवाइयाँ बनाने तक लहसुन का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको लहसुन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसे जानने के बाद आप लहसुन का सेवन करके कई रोगों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। जी हाँ, रोजाना खाली पेट सुबह सुबह लहसुन की 2 कलियाँ खाने से बहुत ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, ये छोटा सा लहसुन का फांग सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाता है बल्कि इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि लहसुन की एक कली आपके शरीर के कितने रोग यानी कि बीमारियों को खत्म कर सकती हैं। चलिए जानते हैं लहसुन के औषधीय गुण क्या हैं। इसका सबसे पहला फायदा है, सर्दी जुकाम मिटाता है। दोस्तों, लहसुन से आप घर पर ही आसानी से सर्दी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए लहसुन की कली को पानी में डालकर उबालें। अब इस पानी को छानकर पिएं। इसमें आप शहद या फिर अदरक भी मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 5 बूंदे लहसुन का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना 2 बार लेने से खांसी भी ठीक हो जाती है और दमा यानी कि आस्थमा के रोगी को भी काफ़ी फायदा होता है और साथ ही इससे गले का संक्रमण भी दूर हो जाता है। जी हाँ, साथ ही लहसुन के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इससे हमारा शरीर ज़्यादा बेहतर तरीके से बीमारियों का सामना कर पाता है। दोस्तों, सुबह खाली पेट लहसुन यानी कि गार्लिक खाने से ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान लोगों के लिए लहसुन का नियमित सेवन अमृत साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लहसुन में एंटी क्लॉटिंग गुण होते हैं जो कि खून को पतला करने में सहायक होते हैं और साथ ही हमारे शरीर में खून के थक्के बनने से रोकते हैं। इससे चोट लगने के बाद खून बहने का डर भी नहीं रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, लहसुन की 2 कलियाँ पीसकर 1 गिलास दूध में उबाल लें और ठंडा करके सुबह शाम कुछ दिन पिएं। इससे दिल से संबंधित बीमारियों में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, पैरों को रखता है साफ। अगर आप पूरा दिन शूज़ और सॉक्स पहनते हैं तो कई बार पैरों में फंगल जैसे कीटाणु हो जाते हैं जिसमें कि खुजली भी होती है। इसे दूर करने के लिए आप गुनगुने पानी में लहसुन की कुछ कलियाँ क्रश करके डाल दीजिए। फिर इस पानी में अपने पैरों को कुछ देर के लिए डालकर रखें। फिर पैरों को साफ पानी से धो लीजिए। इससे पैरों से सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपके बालों को बनाता है मजबूत। जी हाँ, बाल झड़ने की समस्या से आजकल हर कोई परेशान रहता है। इसे दूर करने के लिए आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन में एलिसिन सल्फर होता है जो कि आपके बालों का झड़ना कम करता है। आप जो भी तेल बालों में लगाते हैं उसमें भी आप लहसुन डालकर उबालें। अब इसे ठंडा कर बालों में लगाएं। इससे आपके बाल मजबूत, काले, चमकदार और साथ ही लंबे भी होंगे। दोस्तों, अगर आप दांत दर्द का इलाज घर में ही करना चाहते हैं तो इसके लिए लहसुन की कलियों को लौंग के साथ पीसिए और इसे दर्द वाले स्थान पर लगाएं। दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अगर आप थुलथुले मोटापे से परेशान हैं तो लहसुन की 2 कलियाँ भून लें और उसमें सफ़ेद जीरा व सौंफ सेंधा नमक मिलाकर चूर्ण बना लें। इसका सेवन सुबह खाली पेट गर्म पानी से करिए। लहसुन की चटनी भी खा सकते हैं और साथ ही दोस्तों, लहसुन को कुचलकर पानी का घोल बनाकर पीना चाहिए। इससे आपका मोटापा कम होगा और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। ड्राई स्किन को करता है दूर। दोस्तों, अगर आप भी ड्राई स्किन से परेशान हैं तो आप लहसुन के तेल की नहाने से पहले अपनी त्वचा पर मालिश करिए। कुछ ही दिनों में स्किन सॉफ्ट चमकदार हो जाएगी। इसके अलावा लहसुन की 2 कलियों को पीसकर उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर क्रीम बना लें। इसे सिर्फ मुहासों पर लगाएं। इससे मुहासे साफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो इसके लिए आप सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन, हींग थोड़ा सा डालकर लहसुन काला पड़ जाने तक गर्म करें। फिर इस तेल को ठंडा करके इससे मालिश करिए। दर्द ठीक हो जाएगा।
साथ ही दोस्तों ये गाठिया और जोड़ों के दर्द में भी काफी ही ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए आप इस तेल का उपयोग गाठिया और जोड़ों के दर्द में भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों लहसुन के नियमित सेवन से पेट का कैंसर और भोजन की नली का कैंसर मतलब कि थ्रोट कैंसर और ब्लड कैंसर की संभावना कम हो जाती है। कान का दर्द मिटाता है। दांत दर्द के साथ ही कान का दर्द भी लहसुन द्वारा मिटाया जा सकता है। इसके लिए लहसुन के तेल को हल्का गर्म करके 3 से 4 बूंदें डालें, आराम मिलेगा। इससे आपके कान का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू ना किया हो तो अब आपने इसके फायदों को तो जान लिया है, अब बिना देर किए इसका सेवन शुरू कर दें ताकि आप स्वस्थ रहें और खतरनाक बीमारियों से भी दूर रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhittips.in पर विजिट करें। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।